व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हम चले हैं एक बहुत बढ़िया सी जगह पे। ये क्या हुआ है? हाँ, तो आज हम चले हैं बहुत बढ़िया जगह पे, बोले तो हमारी बाइक को लेके एक नई बाइक की राइड के लिए। तो हुआ क्या कि बेसिकली मुझे एक कॉल आया जो लाम जहाँ से मैंने बाइक ली थी, तो वहाँ पे एक नई बाइक लॉन्च हुई है रॉयल एनफील्ड की अभी कुछ टाइम पहले। तो उन्होंने कहा कि आओ एक बार आप राइड लो, क्योंकि उनको पता था कि मैंने बाइक चेंज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप एक बार राइड लेके देखो, आपको पसंद आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आज एक प्लान करते हैं, आज इसको ब्लॉग में एडिट करते ब्लॉग में बनाते हैं और चलते हैं हम फटाफट से उस बाइक की राइड लेने। बाइक कौन सी है अभी वहाँ पर चल के बताता हूँ। भाइयों, कल संडे हमारी सीरीज शुरू होनी थी माउंट आबू की, बट वो सीरीज़ को अभी थोड़ा सा एक वीक और डिले करेंगे, क्योंकि बीच में आ गई ये वाली वीडियो। ये एक ही एपिसोड है, तो इसको आज बना के इसको कल अपलोड कर देंगे। कल है संडे, यहाँ पे आई थिंक कुछ चल रहा है, आई डोंट नो। सो जिस बाइक की हमने बाइक के राइड के लिए जा रहे हैं, बाइक के तीन मॉडल आते हैं। 650 cc की बाइक है जिसके राइड के लिए जा रहे हैं। अब ये है 350 cc की, वो है 650 cc की। रॉयल एनफील्ड में 650 cc की तीन बाइक्स आती है, GT कॉन्टिनेंटल, एक इंटरसेप्टर और एक तीसरी आती है जो कि है, जिसकी राइड हम लेने जा रहे हैं, वो है सुपर मेट्योर। कंफर्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त, बहुत कंफर्टेबल बाइक है वो। एग्जैक्टली ऐसे लगता है जो कि आप हार्ले चला रहे हो, तो हार्ले वाला फील आएगा उसमें पूरा। सो चलते हैं एक बार फटाफट से बाइक को राइड के लिए लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस देती है बाइक। पिकअप वाइज बात करें तो पिकअप बहुत अच्छी है, और ये कंसोल के बारे में बताऊं तो अपना ये से वॉच के लिए है, और यहाँ पे हमारा स्पीड के लिए भी आ रहा है, और हमारा सेकेंड कितना हमारा किलोमीटर ड्रिवन है वो सब कुछ डिटेल आ रही है। 6-speed गियरबॉक्स है ये, 650 cc। एग्जैक्ट कितना है सीसी वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, टोटल कितने सीसी है। टॉर्क भी मैं लिख दूंगा क्योंकि उस बारे में मुझे नहीं पता है। और जो ऑन रोड इसका प्राइस आ रहा है वो है 445,000। माय गॉड, 445,000। हाँ, ये 6-speed गियरबॉक्स है तो इसकी डेफिनेटली 200 तक इसकी स्पीड है ना, तो 160-170 तक तो चली जाती होगी। सो लेट्स ट्राई एक बार इसको ना सिक्स गियर पे लेके चलते हैं और देखते हैं कैसा। इसीलिए मैं इस फ्लाईओवर पे आया हूँ, इंजन बहुत ज़्यादा हीट कर रहा, बहुत ज़्यादा। बताऊं तो अभी मुझे ये चला के ऐसा लग रहा है
मिट्योर 650 के बाद ये क्लासिक चला के ऐसा लग रहा है जैसा मुझे क्लासिक के बाद हंटर लग रहा था, छोटी छोटी सी छोटी छोटी। तो 25-30 किलोमीटर चलाने के बाद ना मुझे ये छोटी छोटी सी लग रही है। बाइक अच्छी है, हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो जो इंजन से हीट निकल रही है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और उस वजह से ओवरऑल मैं बाइक को 10 में से 8 नंबर दूंगा। एक छोटी सी चीज़ और जो मुझे माइंड में यहाँ बार बार आ रही थी, बेसिकली जो हमारा गियर लीवर होता है, अब क्लासिक में हम गियर लीवर के ऊपर पैर रखते हैं ना, फ्रंट मारो बैक मारो एक ही जगह पे पोजीशन, उसमें क्या था कि वो गियर लीवर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो चेंज करने के लिए मुझे आगे करना पड़ता था और पैर बैक करने के लिए मुझे पीछे पैर करना पड़ता था। तो ये चीज़ एक छोटी सी और थी। सो ये था आपके सामने सुपर मेटियोर 650 का एक डिटेल रिव्यू। मैं चाहता तो एक जगह बाइक खड़ी करके भी आपको रिव्यू दे सकता था, बट मैं चाहता था कि उसमें आपको राइडिंग एक्सपीरियंस भी दूँ। तो मैंने जो जो राइड चलाते हुए फील किया, जैसे मैंने पैरों पे हीट का बताया, वो बहुत ज़्यादा था, और ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए पूरा एक राइडिंग एक्सपीरियंस बनाया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बढ़िया सा, और आपने अगर बुकिंग करी है तो एक बार दोबारा चला के देखना लॉन्ग ड्राइव के लिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय बाय।